अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट कुकिंग। स्टूडेंट कुकिंग में आज हम बना रहे हैं हरे लहसुन के पराठे। तो आइए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। पराठे बनाने के लिए मैंने आटा पहले ही गूंथ के रख लिया था ताकि अच्छी तरीके से आटा ठहर जाए। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिए और इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑयल डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था और नीम गर्म पानी से आटा गूंथ के 40 से 45 मिनट के लिए रख दिया था ताकि आटा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इसके अलावा 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें मैंने फाइन चॉप कर ली हैं और ये ग्रीन गार्लिक है, इसको मैंने इस तरह से पील करके और इसके रूट्स को काट दिया था और उसके बाद इसे फाइन चॉप कर लिया। वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों को बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, तकरीबन 1/2 कप है। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ प्याज की कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिलिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। फाइन चॉप गार्लिक के अंदर ग्रीन चिली डालूंगी, इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया। इसके साथ ही इसमें सॉल्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग में इसमें मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के मिक्स कर लिया, इसको मैं साइड पे रखूंगी और हम पराठे बनाएंगे। हम पराठे बनाएंगे, इसके लिए मैं पेड़ा तोड़ लूंगी इसमें से। देखें आटा कितना सॉफ्ट है, जितना अच्छा से रेस्टिंग टाइम मिलेगा उतनी अच्छी डो सेट हो जाएगी और बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। तो अब मैं इसमें से पेड़ा ले लूँगी। आपको जितना बड़ा पराठा बनाना है उस हिसाब से ले लीजिएगा। अब इसे हम आटे में टेस्ट करेंगे। मैं इसे बेल लूंगी। वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे। मैं इसे बेलूंगी। पेड़ा मैंने बेल लिया है, अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी तकरीबन 1 टीस्पून। इसे फैला लेंगे हाथ से चारों तरफ। ऑयल मैंने लगा लिया है, इस पर थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे। फ्लावर मैंने ऊपर से डस्ट कर दिया है। अब इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे। इसको फैला लेंगे, अब इसको हम रोल कर लेंगे। लंबाई में मैंने रोल कर लिया है हाथ से। अब इसको इस तरह से फिंगर पे फोल्ड कर लेंगे, ओवर टर्न करेंगे इसे और इसके एजेस को इस तरह से अंदर की तरफ दबा देंगे। बाकी तमाम पराठे में मैं इसी तरह से रेडी कर लूंगी, उसके बाद इन्हें बेलेंगे और फ्राई करेंगे। इसे हल्का हल्का मैदा में डस्ट करेंगे। इसको मैं साइड पर रखती हूँ। हल्का हल्का सा फ्लावर मैंने वर्किंग सरफेस पे भी डस्ट कर लिया है। इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे।
पराठा मैंने बेल लिया और पैन मैंने गरम होने रख दिया था। बस अभी से हम फ्राई करेंगे। पैन मैंने गरम होने रख दिया था, इसमें से हल्की हल्की स्टीम आनी शुरू हो गई है। अब मैं इस पे पराठा डाल दूंगी। एक साइड से थोड़ा सिक जाएगा, उसके बाद में साइड चेंज करूंगी, ऑयल डालेंगे इस पे। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। 1 से 2 सेकंड तक मैंने एक साइड से इसे पकाया है ताकि इसका थोड़ा सा कलर आ जाए। अब मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ, इस पर हम ऑयल डालेंगे। अब मैं साइड चेंज कर दूंगी। थोड़ा ऑयल ऊपर डालेंगे और मैं साइड चेंज कर दूंगी इसका। कितना अच्छा कलर आया है इस पर, लाइट गोल्डन कलर आने तक ही दोनों साइड से फ्राई करना है। दूसरे साइड से भी कलर आ जाएगा तब फिर मैं निकाल लूंगी और दूसरे पराठे बनाऊंगी। पराठे की दोनों साइड पे अच्छा कलर आ गया है, बस अभी स्टोव को बंद कर रही हूँ और इसको मैं निकाल रही हूँ। स्टूडेंट कुकिंग में आज हमने ग्रीन गार्लिक के पराठे बनाए, इसके साथ ही मैंने जीरे वाला रायता बनाया। ये पराठे बहुत ही मजे के लगते हैं, गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक दीजिए। स्टूडेंट कुकिंग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।